गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द स्टडी कैफे वाई परीक्षा में कंटेंट से कट ऑफ था। मैं डॉली गर्ग, आपकी बॉटनी टीचर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आ जाइए आप सभी, क्लास का टाइम हो गया है, जल्दी से जल्दी आ जाइए। बिकॉज हम क्या करने वाले हैं, जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं प्लांट किंगडम से रिलेटेड एंड फंजाई से रिलेटेड, वो क्वेश्चंस भी आज हम कंटिन्यू करेंगे आगे। क्योंकि हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन का एनालिसिस बेसिस कर रहे हैं, बहुत अच्छे से एनालिसिस कर रहे हैं कि उसका कंप्लीट चारों ऑप्शन जो है हम इस तरीके से एनालिसिस करते हैं कि हमारे पास कंटेंट भी रेडी हो जाए। ठीक है, तो सभी आ जाइए जल्दी से, एंड जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। और हाँ, पढ़ के ज़रूर आया कीजिए, जिससे आप क्लास में अगर आंसर दें, फटाफट से आंसर देते हैं तो मज़ा आता है। देखें, गुरजीत सिंह, कोमल, रोहित, पूजा बमानिया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरी वन, गुड मॉर्निंग। आ जाइए सभी, देखते हैं, करें स्टार्ट। सभी आ गए, करते हैं। ठीक है, सभी आ गए हैं। देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। हाँ, सोनू सिंह चौहान, साउंड इंक्रीज करो मैम। ओके, आपको साउंड कम आ रही है, और किसी को भी साउंड कम आ रही है क्या, बताइए मुझे, रिप्लाई कीजिए एक बार। रोहित, गुड मॉर्निंग पूजा, क्या बात है, रोहित जी पूजा को गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, वेरी गुड बेटा। पूजा जरज मेहरा, गुड मॉर्निंग मैम जी। कोमल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और किसी को भी आवाज़ कम आ रही है क्या, ये बताइए। रोहित जी, यहाँ आप क्या कर रहे हैं, यहाँ आप रिलेशन बनाने आए हैं क्या, यहाँ पढ़ने आए हैं, पढ़ो। किसी और को भी आवाज़ कम आ रही है तो बताइए एक बार मुझे। ठीक है, करें स्टार्ट, देखते हैं। देखें, जिम्नोस्पर्म की पत्तियों और तने, क्वेश्चन क्या है ये, क्वेश्चन इज जिम्नोस्पर्म की पत्तियों और तने की, पत्तियों और तने की युवा विभाजोत्तक कोशिकाओं में 16 क्रोमोसोम होते हैं, तो उसी जिम्नोस्पर्म की भ्रूणकोष में कितने होते हैं। साउंड नहीं आ रही है, ओके एक मिनट बेटा, चेक करवाती हूँ, वन मिनट। देखिए, साउंड प्रॉब्लम बता रहे हैं स्टूडेंट। साउंड नहीं आ रही है, साउंड कम आ रही है, ये तो ऑन है। हाँ जी, देखते हैं, अब स्टार्ट करें, हो गया सही, देखते हैं। द यंग मियोटिक सेल्स ऑफ द लीव्स एंड स्टेम ऑफ जिम्नोस्पर्म्स हैव 16 क्रोमोसोम, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द एंडोस्पर्म ऑफ द सेम जिम्नोस्पर्म विल बी। क्वेश्चन क्या है आपका, जो है आप सभी को आवाज़ आ रही है क्लियर, देखें। हाँ, सोनू सिंह चौहान बता रहे हैं, अभी भी कम है बहुत। देखिए बेटा, सभी बताइए कि आवाज़ सही आ रही है या नहीं आ रही है। देखिए, तो जिम्नोस्पर्म की लीव्स और स्टेम में क्या बताया है, कितने क्रोमोसोम्स हैं, 16 हैं। लीव्स एंड स्टेम दोनों के अंदर क्या है, 16 क्रोमोसोम्स दिए हुए हैं, और पूछा किसके अंदर है, यहाँ पर एंडोस्पर्म के अंदर पूछा है। ये आप जब ही कर पाएंगे जब आपको प्लॉयडी पता होगी, ठीक है ना। पूजा बमानी ने दिया है 16 आंसर, रॉन्ग बेटा, ठीक है। 32 जो आंसर दे रहा है बन्ना की सोलंकी, वो भी गलत दे रहा है आंसर, ठीक है। एनसीईआरटी बुक्स, महेश कुमार ही सही है क्या बायोलॉजी के लिए, हाँ एनसीईआरटी बुक्स ही सही है बेटा, बिल्कुल एनसीईआरटी, हाँ अब बिल्कुल सही है ना आवाज़, ठीक है चलो बढ़िया, अब हो गई ना करेक्ट आवाज़। देखते हैं अब स्टार्ट, अब आवाज़ सही हो चुकी है, अब अपन वापस से किस पर कंसंट्रेट करेंगे, कंसंट्रेट कीजिए अपने क्वेश्चंस पर। देखिए, अगर आपको पता है लीव्स और स्टेम की प्लॉयडी क्या है, हैप्लॉयड है या डिप्लॉयड है, तभी आप किसकी निकाल पाओगे, एंडोस्पर्म की प्लॉयडी निकाल पाओगे। गुरजीत सिंह ने आंसर दिया है डी 8, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है गुरजीत सिंह, वेरी गुड बेटा, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है, डी 8 है। अब कैसे निकलेगा देखो, लीव्स एंड स्टेम की प्लॉयडी क्या होती है, लीव्स एंड स्टेम की प्लॉयडी होती है 2n,
क्यों? क्योंकि जिम्नोस्पर्म का जो मेन जो है इनके अंदर जो ये लीव्स एंड स्टेम किस में आते हैं, गैमेटोफिटिक में आते हैं, और ये लीव्स एंड स्टेम की प्लॉयडी क्या होती है, 2n होती है। तो यहाँ 2n इक्वल्स टू आपको क्या दिया गया है, 2n इक्वल्स टू 16 दिया गया है। तो हम हैप्लॉयड निकाल लें पहले, 2n इक्वल्स टू क्या होगा 8, हमारे पास n इक्वल्स टू तो क्या आ गया 8 आ गया, यानी कि हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम कितना है 8 है, ठीक है ना। देख ये कंडीशन आ गई। दूसरी बात एंडोस्पर्म में हम देखें, जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म क्या होता है, हैप्लॉयड, मैंने आपको बताया। तो क्यों? क्योंकि क्या बनता है, ये निषेचन से पहले बिफोर फर्टिलाइजेशन इसका फॉर्मेशन होता है, इसीलिए कैसा होता है हैप्लॉयड। और एंजियोस्पर्म के अंदर कैसा होता है ट्रिप्लॉयड, क्योंकि वहाँ आफ्टर फर्टिलाइजेशन उसका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ये कैसा है, एंडोस्पर्म एन होता है, तो एन इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 8 है ऑलरेडी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 8। जो 16 और 32 दे रहे थे वो एक्चुअली क्या लगा रहे थे, अपना माइंड वो यहाँ पर ये लगा रहे थे, उनको ये याद था कि ये क्या होता है लीव्स और जो स्टेम है वो कैसे होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं, तो हैप्लॉयड का हैप्लॉयड उन्होंने सेट कर दिया था। हाँ गुरजीत सिंह, अंजलि वर्मा, बिल्कुल सही है, आपने डी आंसर दिया है। गिरधारी कुमावत जी कह रहे हैं मैडम लैब असिस्टमेंट में 40% का मैटर समझ में नहीं आया, दोनों पेपर मिलाकर लाने या एक पेपर के लाने हैं। बेटा आपको टोटल 40% तो मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए, आपको कितने चाहिए टोटल मिला करके 40% मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए, इसीलिए आपको 40% तो लाने ही है। अगर आपने 40% मार्क्स नहीं लाए तो आप जो है एलिजिबल नहीं होंगे इसके लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको याद हो जैसे कि 2018 में जो LDC का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर भी यही था, 2018 या 17 में जो लास्ट हुआ था LDC का एग्ज़ाम, तो क्या था वहाँ पर कंडीशन, वहाँ पर ये भी यही था कि 40% आपको क्या करना है एलिजिबल मार्क्स लाने हैं, जब भी आप किसके लिए टाइपिंग के लिए एलिजिबल थे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक गुजरा जी? मेहरा जी ए आंसर देना है, ए आंसर नहीं है बेटा। पूजा बमानी, जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म हैप्लॉयड होता है, बिल्कुल जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म जो कैसा होता है हैप्लॉयड होता है, और एंजियोस्पर्म में कैसा होता है ट्रिप्लॉयड होता है। अगर मैं यहीं से आपको क्वेश्चन पूछ लूँ, मैंने क्वेश्चन आपको लिख दिया यहाँ पर जिम्नोस्पर्म की जगह मैं आपको लिख दूँ ये क्या है एंजियोस्पर्म है, ठीक है ना, जिम्नोस्पर्म की जगह मैं इसको किससे कन्वर्ट कर दूँ आपका एंजियोस्पर्म से कन्वर्ट कर दूँ इसको, तो यही मैंने क्या कर दिया आपका एंजियोस्पर्म कर दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए सभी के सभी, फिर इसका आंसर क्या होएगा अगर मैंने यहाँ पर आंसर क्या कर दिया एंजियोस्पर्म कर दिया, कि एंजियोस्पर्म की पत्तियों तने की युवा विभाजितक कोशिकाओं में 16 क्रोमोसोम्स हैं, देन इसके एंडोस्पर्म में कितने होंगे। हाँ जया डी के, हाँ बिल्कुल, गुड मॉर्निंग बेटा, सबको गुड मॉर्निंग। ठीक है देखिए, लेकिन अब मुझे आंसर दीजिए, यहाँ से मैंने आपको दो क्वेश्चन पुट अप कर दिए जी, ठीक है ना, जिम्नोस्पर्म का तो सॉल्व करा दिया, अब मुझे एंजियोस्पर्म का बताइए एंजियोस्पर्म का क्या होगा। यहाँ पर देखिए लीव्स की तो क्या है कंडीशन 2n ही होती है, चाहे एंजियोस्पर्म हो चाहे जिम्नोस्पर्म, दोनों में लीव और स्टेम में कंडीशन क्या होती है 2n ही होता है, डिप्लॉयड कंडीशन ही होती है। तो 2n इक्वल टू क्या है 16 है, n इक्वल टू हमने क्या निकाल लिया 8 है, जो ये 16 आंसर दे रहा है मदन पाल यादव, ये भी आपने गलत आंसर दिया है। देन एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म है, एंजियोस्पर्मिक एंडोस्पर्म जो है वो एंडोस्पर्म कैसा होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया था ट्रिप्लॉयड होता है, वो ट्रिप्लॉयड हो गया तो n 3 मल्टीप्लाइड बाई एन की वैल्यू रख देंगे हम, ठीक है ना, क्या लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 8, तो कितना आ जाएगा फिर यहाँ पर 24 आ जाएगा। अगर किसके लिए पूछा जा रहा है आपको, अगर पूछा जा रहा है एंजियोस्पर्म के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है ना, एंजियोस्पर्म के लिए पूछा जा रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा 24 आएगा, और जिम्नोस्पर्म के लिए पूछा जाएगा तो 8 आएगा। ठीक है देखते हैं, हाँ डी के भट्टी जी बिल्कुल सही दिया है आपने आंसर, 24 जो आंसर दिया है बिल्कुल सही। संजू गोदारा सी नहीं बेटा, सी 32 नहीं आएगा, फिर 24 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या है 8 है आपका इस क्वेश्चन का आंसर तो, ठीक है, लेकिन जो मैं अगर आपको एंजियोस्पर्म वाला क्वेश्चन अगर पुट अप करती हूँ तो आपका क्या आंसर आएगा 24 आएगा इसका आंसर, ठीक है, 3 × 1 8 × 3 24। यस देखें नेक्स्ट क्वेश्चन करें, देखिए इसमें कोई ट्रांसलेशन प्रॉब्लम हो गई थी बेटा, कोई दिक्कत नहीं, देखें देखें स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवृत बीजियों में, अनावृत बीजियों में जिम्नोस्पर्म, ये क्या है हमारा जिम्नोस्पर्म। अनावृत बीजियों को मृदुधारी स्पर्मेटोफाइट्स भी कहा जाता है क्योंकि इनमें ये नहीं होते हैं।
मैडम टेस्ट सीरीज में कूपन कोड अप्लाई नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, वो आपको फ़ोन नंबर दिया हुआ है ना, आप उस फ़ोन नंबर पर सारी क्वेरी क्लियर कर लीजिए, आपको सर बता देंगे। अभी मैं आपको जो है थर्ड फोर्थ क्वेश्चन के बाद आएगा वहाँ से आप नंबर ले लीजिए, वो नंबर आप नोट करके सर को कॉल कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखें, हाँ देखते हैं इसके अंदर, इसका आंसर दीजिए। विशाल कुमार जी ए आंसर दिया है, नहीं बेटा ए आंसर नहीं आएगा इसका। संजू गोदारा बी, नहीं बी भी नहीं आएगा इसका आंसर। देखिए जिम्नोस्पर्म में क्या नहीं होता, जिम्नोस्पर्म्स आर ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्ट जाइलम स्पर्मेटोफाइट्स बिकॉज दे डोंट हैव, इनमें क्या नहीं होता, बिकॉज दे डोंट हैव, क्या प्रेजेंट नहीं होता इनके अंदर। देखते हैं कैम्बियम प्रेजेंट होती है क्या, जो जिम्नोस्पर्म में प्लांट होते हैं, जिम्नोस्पर्म प्लांट में कैम्बियम भी, ये क्या दिया है आंसर मदन पाल यादव जी, टू कैम्बियम। देखिए बेटा कैम्बियम भी प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन इसको क्या बोला गया है, हम यहाँ पर देखें कि पूछ क्या रहा है, इसने पूछा क्या है, सॉफ्ट जाइलम स्पर्मेटोफाइट्स, यानी कि जाइलम कैसा है, सॉफ्ट है, तो वो किसकी वजह से है, वो है मोटी भित्ती वाहिनिकाएँ क्या होती हैं इसमें एबसेंट होती हैं, मोटी भित्ती जो वाहिनिकाएँ हैं वो क्या होती हैं एबसेंट, वेसल्स किसके अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर एबसेंट होती हैं, ओनली तीन है इफिड्रा वेल्विशिया एंड नीटम, उनमें क्या होती हैं वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, बाकी जिम्नोस्पर्म में वेसल्स क्या होती हैं एबसेंट होती हैं, ठीक है ना। डी विल बी द राइट आंसर, नो जाइलम फाइबर्स तो प्रेजेंट होते ही हैं बेटा, जाइलम फाइबर जो हम बोलें कि जो जाइलम में चार प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ट्रैकिड्स वेसल्स जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा, तो उसमें से वेसल्स जो होती हैं जिम्नोस्पर्म में एबसेंट होती हैं, बाकी जो ट्रैकिड्स हैं जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा वो तीनों प्रेजेंट होते हैं। जब ट्रैकिड्स एब्सेंट हैं इसी वजह से इनकी जो जाइलम है वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। हाँ जो भी सी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं, हैं सुष्मिता जी, बन्ना आर एस भाटी, मेहरा जी, युवराज, ये सब दे रहे हैं जो सी आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं रोहित। इसका आंसर क्या आएगा, मोटी वित्तीय युक्त वाहिनिकाएँ जो होती हैं एबसेंट होती हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को, देखिए करें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कल भी शायद किसी ने इसका कमेंट किया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल, जीवित जीवाश्म इनमें से कौन है, जीवित जीवाश्म कौन है इनमें से, आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर। पूजा ममानी आंसर नहीं आया तो आप जो है सॉरी, ठीक है परेशान मत होइए, क्वेश्चन आएगा। अगर आपने एक बार यहाँ क्वेश्चन कर लिया है, रॉन्ग हुआ है तो भी कोई बात नहीं, यहाँ क्वेश्चन अगर आपका रॉन्ग हो रहा है तो पेपर में आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, ये 100% श्योरिटी है, बिकॉज आपका एक बार अगर क्वेश्चन रॉन्ग होता है, आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपके माइंड में उसका जो राइट आंसर वो क्लिक हो जाता है, ठीक है ना। देखें इसका आंसर दें, थर्ड का आंसर दें, निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है, पाइनस, जिंगो वायलोबा, थूजा एंड देवदार जो होता है, बताइए। नहीं ए आंसर नहीं है, ए पाइनस इसका आंसर नहीं है, पाइनस इज नॉट अ लिविंग फॉसिल। बी जिसने भी आंसर दिया है, पूजा बमानिया, सुष्मिता जी एंड गुरजीत सिंह जी, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी डी के भाटी, क्योंकि जिंगो वायलोबा क्या होता है, जिंगो वायलोबा इज अ लिविंग फॉसिल। अब पहली बात आप मुझे ये बताइए कि लिविंग फॉसिल क्या होता है, मुझे बताइए आंसर दीजिए, लिविंग फॉसिल क्या होता है बताएं सभी। देखिए लिविंग फॉसिल का मतलब क्या होता है, लिविंग फॉसिल्स कोई मुझे बताएगा कि लिविंग फॉसिल्स का मतलब क्या होता है, लिविंग फॉसिल का मतलब होता है कि कोई जो मिला है, ठीक है ना, जिंगो बायलोबा है बेटा ये, ठीक है ना, जो जीवाश्म मिला है वो जीवाश्म के जो करेक्टर्स हैं जैसे मिले थे वो वैसे अभी तक वैसे के वैसे ही, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है, उसको क्या बोला जाता है, जीवित जीवाश्म बोला जाता है। तो यहाँ पर जो जीवित जीवाश्म है, लिविंग फॉसिल है, वो कौन सा है, जिंगो बायलोबा जो है लिविंग फॉसिल है। क्लियर है, हाँ सभी के आंसर सही आ रहे हैं, बी बी सबके आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। देखें नेक्स्ट, ये कौन बताएगा, देखते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन भी है, अच्छा भी है, देखते हैं। पाइनस जंगलों में सल्फर वर्षा की घटना किसके कारण होती है, द अकरेंस ऑफ सल्फर रेन इन पाइन फॉरेस्ट इज ड्यू टू, सल्फर रेन की जगह जो दिखता है वो किस वजह से दिखता है, प्रेजेंस ऑफ सल्फर एंड कीटों की प्रेजेंस ऑफ इंसेक्ट्स, बड़ी मात्रा में परागकणों का मुक्त होना, रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन इन लार्ज क्वांटिटीज एंड बड़ी मात्रा में फलों की उपस्थिति, किसकी वजह से, सल्फर की उपस्थिति की वजह से है, या इंसेक्ट की उपस्थिति की वजह से है, या जो है बड़ी मात्रा में जो है हम बोलें कि पोलन ग्रेन्स जो हैं रिलीज हो रहे हैं, या फिर जो लार्ज अमाउंट में फ्रूट रिलीज हो रहे हैं जिसकी वजह से है, इसको क्या बोला जाता है, किसकी वजह से सल्फर वर्षा बोलते हैं, ये हमको आंसर देना है। दीजिए आंसर सभी, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर दीजिए।
देखिए संजू गोदारानी जी ने दिया है सी आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया बेटा, सी आंसर करेक्ट आंसर है, सबके आंसर आने लगे, वेरी गुड, मजा आ गया। सुष्मिता मालव, कविता, गुरजीत सी आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही दे रहे हैं सभी आंसर जो दे रहे हैं। देखिए हाँ जी, डी के भाटी, अंजलि वर्मा सी आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर, पूजा बमानिया सही आंसर बेटा सी, इसका आंसर क्या है, बड़ी मात्रा में पराकणों का मुक्त होना। अब इसे सल्फर वर्षा क्यों कहते हैं, देखो पाइन के जो पाइन पाइन जो प्लांट है, पाइनस जो प्लांट है, ठीक है ना, इसका क्या होता है, इसके जो पराकण होते हैं, पोलन ग्रेन जो होते हैं, ये पोलन ग्रेन कैसे होते हैं, येलो कलर के होते हैं, कैसे होते हैं, ये येलो होते हैं, येलो होते हैं, और एक साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होते हैं, ये रिलीज होते हैं, जब एक साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होते हैं, येलो कलर के होते हैं, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, एक शावर चल रहा है वहाँ पर, सल्फर वर्षा, यानी कि वो कैसा लगता है, बिल्कुल रेन हो रही है वहाँ पर, तो इसलिए कैसा फील होता है यहाँ पर, सल्फर रेन, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को, क्यों फील होता है, क्योंकि येलो कलर के पोलन ग्रेन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक साथ रिलीज होते हैं, तो वो रेन की तरह फील होता है, दैट इज कॉल्ड, इसको जो है क्या बोलेंगे हम, सल्फर वर्षा बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड सल्फर रेन, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हाँ जी, जो अभी पूछ रहे थे कि मैडम कोड नहीं लग रहा है, अप्लाई नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ से जो नंबर दे रखा है वो नंबर जो है आप नोट कर लीजिए, ठीक है, जिससे आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, सर आपको बता देंगे आपको करना क्या है, हमने बताया था आपको सीधे सीधे इंस्टॉल करना है जा करके परीक्षा है, वहाँ पर क्या आपको क्या करना है, राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम्स की कैटेगरी, देन आपको क्या करना है वहाँ पर जा करके जो है होम जाएंगे आप, टेस्ट जाएंगे, ठीक है ना, राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम की जो कैटेगरी है वो जाएंगे, राजस्थान गवर्नमेंट कैटेगरी के बाद आप राजस्थान लैब असिस्टेंट में जाएंगे, वहाँ आपको फ्री डेमो टेस्ट मिले हुए हैं, तो आफ्टर दैट आप परचेज करना चाहते हैं तो आपका अमाउंट है वो 999 से कितना हो रहा है, ओनली 500, कितना है, ओनली आपको 500 में जो है ये टेस्ट सीरीज मिल रही है, कोड क्या है आपका LA50, ये देखिए आपका 50% ऑफ हो रहा है, ओनली 500 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता, केवल 500 रुपये में आपको जो मिल रही है, ठीक है ना, 50% आपका ऑफ हो रहा है, ये कब तक है, ये 25 मई तक जो है अवेलेबल है, आपको जिसको भी प्रॉब्लम है ये नंबर जो है आप जो है नोट डाउन कर लीजिए, इन नंबर पर आप कॉल करके जो भी क्वेरीज हैं वो क्वेरी क्लियर कर लीजिए, ठीक है। देखें हाँ, मेहरा जी ने बोला सल्फर शार, हाँ बेटा सल्फर शार भी बोलते हैं इसको, ठीक है, सबके सी आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखें करें नेक्स्ट, ये तो सभी को आ जाना चाहिए, है ना, चिलगोजा के नाम से जाना जाने वाला ड्राई फ्रूट जो मेवा है किसे बोलते हैं, चिलगोजा इज प्रोड्यूस्ड बाय पाइनस सिल्वेस्ट्रिस, पाइनस मोनफाइला, पाइनस यार्डियाना एंड पाइनस रॉक्सबर्गाई, बताइए मुझे पाइनस की स्पीसीज के नेम है, आपको बताना है कि कौन सा जो है चिलगोजा जो ड्राई फ्रूट है वो पाइनस की कौन सी स्पीसीज से जो है ऑप्टेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। सुरेंद्र कुमार जी गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग बेटा, लेकिन आप बहुत लेट हो गए, जल्दी क्लास पर टाइम से आया कीजिए, 10:15 टू क्लास जो है स्टार्ट होती है अपनी। हाँ सुष्मिता मालव जी सी आंसर दिया, बिल्कुल करेक्ट बेटा, वेरी गुड। संजू गोदारा बी नहीं है बेटा आंसर, ठीक है ना, बी इज रॉन्ग आंसर, पाइनस जियार्डियाना, पाइनस जियार्डियाना से क्या मिलता है हमको, चिलगोजा जो है, चिलगोजा जिसको बोलते हैं हम, ड्राई फ्रूट जो होता है वो किससे मिलता है, पाइनस जियार्डियाना से, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, पाइनस जियार्डियाना, पाइनस सिल्वेस्ट्रिस मोनफाइला, पाइनस रॉक्सबर्गाई से नहीं है, पाइनस जियार्डियाना से। गुरजीत, डी के भाटी, मदनपाल यादव सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहे हैं, सभी के आ रहे हैं, वाह मजा आ गया, एक एक करके सभी के आंसर आने लग गए। पूजा बमानिया, युवराज हाँ बिल्कुल सही है, सबके आंसर आ रहे हैं, ठीक है, सी आर के भाटी, अंजलि वर्मा, पाइनस जी आर डी एन, बिल्कुल सही, वेरी गुड। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम, देखते हैं, देखिए हाँ ये बताइए किस पौधे में सबसे बड़े स्पर्म पाए जाते हैं, विच प्लांट हैज द बिगेस्ट स्पर्म, बिगेस्ट स्पर्म किस में प्रेजेंट है, साइकस, पाइनस, मैंगो और सनफ्लावर, किस में है, ये तो सबको पता होगा, अभी इससे कुछ रिलेटेड सेम क्वेश्चन भी आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर सभी को देना है किस पौधे में सबसे बड़े स्पर्म है, और जल्दी से जल्दी फटाफट से आंसर दिया कीजिए बेटा, जब आप आंसर देते हैं ना तो इंटरेस्ट आता है क्लास में, सब एक दूसरे का कंपटीशन चलता है यहाँ पर, जितने भी लाइव देख रहे हैं सबका क्या होता है, कंपटीशन चलता है, तो जो भी आंसर देता है तो आपको एक फीलिंग आती है पेपर वाली, ठीक है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी लाइक एंड शेयर किया कीजिए, जिससे और भी जो है उससे जुड़ पाए, ठीक है। सुष्मिता जी ने दिया है ए आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। मदन पाल जी ने दिया है 6 का पाइनस, नो रॉन्ग,
डी के भाटी एंड मंकी डी रॉन्ग, गुरजीत सिंह ने दिया ए, बिल्कुल सही है। साइकस क्या होता है? साइकस में लार्जेस्ट स्पर्म किस में होते हैं? साइकस में प्रेजेंट होते हैं। जो भी डी पाइनस मैंगो सनफ्लावर दे रहे हैं, डेट इज रॉन्ग आंसर। करेक्ट आंसर इज साइकस। साइकस में क्या होते हैं? बिगेस्ट स्पर्म होते हैं। साइकस में बिगेस्ट स्पर्म भी होता है, बिगेस्ट एग भी होता है, बिगेस्ट ओव्यूल भी होता है साइकस में, ठीक है ना। साइकस में बिगेस्ट सारी चीज बिगेस्ट होती है। देखें नेक्स्ट, हाँ जी, कोरोलॉइड रूट्स के बारे में मैं आपको पहले बता भी चुकी हूँ थोड़ा सा। साइकस की कोरोलॉइड रूट्स उपयोगी हैं। कोरोलॉइड रूट्स ऑफ साइकस इज यूजफुल फॉर, किसके लिए उपयोगी हैं ये? सी एट एंड टू फिक्सेशन। देखिए एंड टू फिक्सेशन या इन वाटर एब्जॉर्प्शन या इन ट्रांसपायरेशन या स्टेबलाइजेशन, किसके लिए है ये? इसका आंसर दीजिए फटाफट से, इसका आंसर दीजिए। देखते हैं, हाँ आंसर आने लग गए क्या सभी के आंसर? देखिए हाँ, सुष्मिता समायरा ए, रिंकू डीएलपी ए, बिल्कुल सही है इसका आंसर। साइकस में कोरोलॉइड रूट्स जो होती हैं, वो कोरोलॉइड रूट्स किसके लिए यूजफुल होती हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। क्यों? क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। जैसे कोरोलॉइड रूट्स हैं, इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन कौन से? नोस्टॉक एंड एनाबीना, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं? N2 का फिक्सेशन करते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहे हैं सभी के। गुरजीत, युवराज, मदनपाल, पूजा, गुरजीत, आर एस भाटी, मेहरा जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए आंसर इज करेक्ट। साइकस में क्या होता है? जो कोरोलॉइड रूट हैं, उनमें N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, नोस्टॉक एंड एनाबीना, जो क्या करते हैं? N2 फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। रोहित बिल्कुल सही दिया, मेहरा जी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, बिल्कुल सही है। देखें इसका आंसर क्या आएगा, ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए हाँ जी, ये फिर से आ गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है इस क्वेश्चन के अंदर। साइकस में विशाल होता है, इन साइकस द ह्यूज, जो भी है लार्जेस्ट क्या होता है? ओव्यूल है, एग है, स्पर्म है या ऑल ऑफ दीज? ये अभी सबको बताना है, बिकॉज मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। बताइए सभी को इसका आंसर क्या होगा, साइकस में लार्जेस्ट क्या होता है? अंडक होता है, एग होता है, स्पर्म होता है या उपरोक्त सभी होते हैं? बताएं सभी क्या होता है इसके अंदर। डी के भाटी डी, मदनलाल ऑल, पूजा बमानिया डी, बिल्कुल सही आंसर दिया बेटा, डी आएगा। क्योंकि साइकस में मैंने अभी आपको बताया था, एग, ओव्यूल और स्पर्म तीनों ही क्या होते हैं? लार्जेस्ट होते हैं, ऑल क्या, ऑल इन लार्ज फॉर्म, क्लियर, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा अपना, डी, बिकॉज ओव्यूल हो या एग हो या स्पर्म हो, तीनों के तीनों ही क्या होते हैं? लार्जेस्ट होते हैं इसके अंदर, इसीलिए क्या है ये साइकस के अंदर ये तीनों है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। देखते हैं सभी, हाँ बिल्कुल सही, सही के सभी के आंसर आ रहे हैं, करेक्ट है। देखें हाँ जी, इसका आंसर दीजिए। साइकस की कोरोलॉइड जड़ों में एक सहजीवी शैवाल कौन सा है? देयर इज अ सिम्बायोटिक एल्गी इन द कोरोलॉइड रूट्स ऑफ साइकस। अभी अभी मैंने नेम बताए थे, अब उनमें से कोई एक नेम यहाँ पर है और आपको क्या करना है, सर्च करना है, ठीक है ना। अभी अभी जो नेम बताए थे मैंने, क्या है? अलोसिरा, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स एंड एनाबीना, कौन सा आएगा इसमें से? फटाफट से बताइए, क्योंकि साइकस की जो कोरोलॉइड रूट्स हैं उनमें जो सहजीवी शैवाल है, वो सहजीवी शैवाल कौन सा है? सिम्बायोटिक एल्गी, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, दोनों को क्या होता है, फ़ायदा होता है, ठीक है। एल्गी तो उसको क्या करवाती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है यहाँ पर, और उसको क्या मिल जाता है यहाँ पर, जो है शेल्टर मिल जाता है यहाँ पर। हाँ जी, डी आंसर आने लग गए सभी के। हाँ, युवराज, मदनपाल, रमकाना, पूजा, अंजलि, हंजाराम, हिमांशु, मणि, बिल्कुल सही, नौष्टक एनाबीना, सुरेंद्र कुमार, ठीक है ना, गुरजीत सिंह डी, ठीक है, मेहरा जी, गुरजीत सिंह, एनाबीना बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया सभी ने। कि क्या क्या आता है इसके अंदर? नौष्टक एंड एनाबीना। सुरेंद्र जी बोल रहे हैं मैम मैंगो शेक बनाया है, आ जाओ। हाँ बेटा आ जाएंगे, आप डेली बुलाते हो हमको तो, ठीक है ना, आप यहाँ पर आकर के देखे जाओ जब मजा आएगा, ठीक है। हम जो है कैमरे में से आकर के तो आपसे लेंगे नहीं, ठीक है। आप पीजिए, मजे लीजिए, घर पर रहिए, गर्मी से बचते रहिए बस सभी,
ठीक है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो गर्मी से बचे रहिए। देखते हैं, हाँ नॉस्टॉक और एनापीना सबके सही आंसर आ रहे हैं। इसका आंसर क्या आएगा? एनापीना आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखें सभी, देखें, देखिए ये तो आंसर सबको आ जाना चाहिए। सीड्स आर फाउंड इन किस में प्रेजेंट होते हैं? एंजियोस्पर्म्स में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में या एल्गी में? सीड्स जो प्रेजेंट होते हैं किसमें होते हैं? एंजियोस्पर्म में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में या एल्गी में? कौन से हैं? स्पर्मेटोफाइट्स, जिनको हम फेनेरोगेम्स बोलते हैं, ठीक है ना, जिनमें सीड एब्सेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगेम्स। और जिनमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं इनको बोलते हैं हम फेनेरोगेम्स। तो फेनेरोगेम्स के अंदर इनमें से कौन से आते हैं बताइए, मुझे आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर देना स्टार्ट कीजिए इसके। हाँ क्या बात है, आंसर आने लग गए, सबके करेक्ट आंसर आ रहे हैं। गुरजीत सिंह, मेहरा, सुष्मिता, युवराज, रोहित, मदनपाल, पूजा, कविता, रामनिवास, हिमांशु, अंजलि, संजू, मदनपाल, रामचंद्र, परमेश्वर, डीके, हंजाराम, उदयपुर। बिल्कुल सही है, इसका आंसर क्या आएगा? ए, क्योंकि देखो कल मैंने आपको बताया था एक होते हैं क्रिप्टो गेम्स, यानी कि ये कैसे होते हैं? सीडलेस, ठीक है। इसमें कौन से आते हैं अपने? ब्रायो टेरिडो, इसमें ये आते हैं। देन एक होते हैं फेनेरोगेम्स, इसमें कौन से होते हैं? सीडेड, जिनमें बीज प्रेजेंट होते हैं। इसमें कौन से आते हैं? जिम्नो एंड एनजियो, ये दोनों इसके अंदर आते हैं, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। देखें, हाँ जी, निम्न में से किसमें जाइलम वेसल्स पाई जाती हैं? जो वाहिकाएं तथा सहचर कोशिकाएं हैं वो किसका करैक्टरिस्टिक्स फीचर हैं? जो करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वेसल्स एंड कंपेनियल सेल्स, विच इज द करैक्टरिस्टिक, व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वेसल्स एंड कंपेनियल सेल्स? नो, करेक्टर वेसल्स एंड कॉम्पेनियंस आर करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ग्रुप एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर जाइलम वेसल्स इज फाउंड? किस में जो है जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, या हम बोलें जाइलम वेसल्स एंड कॉम्पेनियन सेल्स करेक्टरिस्टिक फीचर जो हैं वो किसका होता है? देखें, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, सी दोनों, ए एंड बी, एंड जो एंजियोस्पर्म, डी इज एंजियोस्पर्म। देखें, हाँ जी, मदन पाल यादव जी बोल रहे हैं 11 सी। बेटा मैंने अगर जो सी में जो आंसर ए और बी दे दिया, आप लोग क्या करते हो? सारे स्टूडेंट का यही है, जहाँ पर ऑल ऑफ दी दिख गया या ए और बी लिख रहा है आंसर या ए और सी लिख रहा है, हम डायरेक्ट उसको जा करके टिक करते हैं, ये नहीं देखते कि नीचे भी कुछ है, ठीक है ना। सी इसका आंसर नहीं है, जो भी सी दे रहे हैं सब देखो, सब एक साथ लाइन से सी दे रहे हैं। डी के भाटी, पूजा, बन्ना, कविता, संजू, अंजलि सब सी दे रहे हैं, लेकिन सुष्मिता और गुरजीत सिंह ने आंसर दिया है डी दिया है। बिल्कुल सही है, डी आंसर सही आएगा इसका, ठीक है ना, सी नहीं आएगा। ए और बी लिख दिया तो इसका मतलब ये हो गया ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में वेस्कुलर सिस्टम होता है क्या, ये बताइए, कल ही पढ़ा था हमने। ब्रायोफाइटा में जो वेस्कुलर टिश्यू है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है, वेस्कुलर यहाँ तो एब्सेंट है। ब्रायोफाइटा फर्स्ट लैंड प्लांट है, फर्स्टली वेस्कुलर टिश्यू किसमें हुआ था? टेरिडोफाइटा में, तो उससे पहले तो वहाँ वेस्कुलर टिश्यू था ही नहीं, तो जब वेस्कुलर टिश्यू ही नहीं था तो उसमें कैसे होगा? यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट था, लेकिन टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, देखिए कल भी आपको ये बात बताई थी मैंने, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म, इन दोनों में क्या होती है? वेसल्स एब्सेंट होती हैं, इन दोनों में वेसल्स एब्सेंट होती हैं, वेसल्स एंड कॉम्पेनियन सेल्स, वेसल्स एंड कॉम्पेनियन सेल्स, ये भी मैंने आपको कल बताया था। ये बात नहीं हुई, सभी ने गलत आंसर दिया है बेटा, मज़ा नहीं आया, क्योंकि कल भी मैंने आपको ये चीज़ बताई है, ब्रायोफाइटा में तो वेस्कुलर टिश्यू होता ही नहीं है। सबसे पहले वेस्कुलर टिश्यू किसमें डेवलप होता है? टेरिडोफाइटा में, ठीक है। टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में वेसल्स और कॉम्पेनियन सेल्स हैं ही नहीं, वेसल्स और कॉम्पेनियन सेल्स किसमें प्रेजेंट है? एंजियोस्पर्म में। और कल मैंने आपको ये भी बताया था वेसल्स और कॉम्पेनियन सेल की जगह क्या प्रेजेंट होता है? एल्बुमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स प्रेजेंट होता है, ये भी मैंने आपको बताया था, इतनी जल्दी नहीं भूलना है, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा एंजियोस्पर्म आंसर आएगा। सभी ने सी में ए और बी देखा और इसे लगा दिया, बस ए और बी देखा वहाँ लगा दो क्वेश्चन, आगे तो ऑप्शन हम पढ़ते नहीं है, यही तो हम एग्जाम में करते हैं, आगे तो ऑप्शन हम पढ़ते नहीं है, देखा ऑल ऑफ दीज या ए और बी देखा उसे लगा देते हैं सीधे, है ना, ऐसे नहीं करना है लेकिन हमको, ठीक है, ऐसे हमको नहीं करना है।
तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, डी आएगा। एंजियोस्पर्म में क्या होती हैं, वेसल्स और कॉम्प्यूनियन सेल्स दोनों प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए इसका क्या होता है करेक्टरिस्टिक फीचर बोला जाता है, क्योंकि ये ओनली किस में प्रेजेंट है, एंजियोस्पर्म्स में ही प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इन मोस्ट एंजियोस्पर्म्स अधिकांश आवर्तबीजी पादपों में भ्रूण कोश में एक लघु केंद्रीय कोशिका होती है। द एम्ब्रियो सैक हैज अ स्मॉल सेंट्रल सेल, अंड में तंतु रूप समुच्चय होता है, फाइब्रस एपरेटस, इसको बोलते हैं फाइब्रस एपरेटस, प्रेजेंट इन द एग सेल, देयर आर मैनी एंटीवायरल सेल्स, नो बहुत सी पृथ्वीव्यासांत कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं, देयर आर मैनी एंटीपोडल सेल्स। ये भी मैं आपको एक बार बता चुकी हूँ डायग्राम बना के। एंड मियोसिस अकर्स इन मेगास्पोर मदर सेल, मियोसिस अकर इन मेगास्पोर मदर सेल, जो अर्सूति विभाजन है गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में होता है। इसमें से आपको क्या ढूंढना है, इसमें से आपको जो है करेक्ट ढूंढना है। अब मुझे बताएगा, इसमें से सब बताएंगे कि करेक्ट कौन सा है इसमें से आंसर, वो बताएंगे। देखें कौन कौन सा देते हैं, सुष्मिता मालव, पूजा बमानिया, डी बिल्कुल सही आंसर दिया है। डी इसका आंसर क्या है, करेक्ट इसका आंसर है। देखिए बेटा मैं आपको जो है इसका, हाँ गुरजीत सिंह जी दे रहे हैं, हमजा राम जी दे रहे हैं, डी आंसर दे रहे हैं। देखो ये मैंने डायग्राम आपको बना के बताया था, जो एम्ब्रियो सैक का डायग्राम है वो मैंने आपको बनाकर भी बताया था, ठीक है ना। ये जो है ये क्या है, ये तीन तो क्या होती हैं, एंटीपोडल सेल्स होती हैं। ये जिम्नोस्पर्म का एम्ब्रियो सैक है, इसमें क्या होती हैं, तीन एंटीपोडल सेल्स होती हैं। तो ये वाला तो ऑप्शन गलत हो गया कि बहुत सी पृथ्वीव्यासांत कोशिकाएं नहीं, कितनी होती हैं, ओनली तीन होती हैं, तो बहुत सी नहीं होती। दूसरी बात हम देखें, ये क्या है, एक कंप्लीट, ये पूरा यहां से यहां तक ये वाला जो एरिया है ना कंप्लीट, ये क्या है हमारी सेंट्रल सेल, दैट इज सेंट्रल सेल। तो सेंट्रल सेल छोटी है क्या, सबसे ज्यादा बड़ी क्या है इसमें, सेंट्रल सेल ही है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया कि स्मॉल सेंट्रल सेल, नो स्मॉल नहीं होती, क्या होती है, बड़ी होती है सेंट्रल सेल यहाँ पर। दूसरी चीज, एक जो है फाइब्रस एपरेटस जो प्रेजेंट होता है यहाँ पर, ठीक है ना, फाइब्रिलर जो तंतु रूप समुच्चय है जो प्रेजेंट होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है सिनर्जिड सेल्स में। ये जो दोनों सेल्स हैं इनको बोला जाता है सिनर्जिड सेल्स, सहायक कोशिकाएं, और ये बीच वाली है ये है एग सेल, ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है, ठीक है ना, फाइब्रस नहीं बोलते इसको, बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। तंतुरूप समुच्चय जो होता है वो किसमें होता है, सिनर्जिड सेल्स में प्रेजेंट होता है, तंतुरूप समुच्चय अंड कोशिका में प्रेजेंट नहीं होता, एग सेल में नहीं होता, इसीलिए ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। कैसे, देखिए भ्रूण कोश में इसने क्या बोला, एम्ब्रियो सैक में स्मॉल सेंट्रल सेल है, नो कैसी है ये, यहाँ पर बड़ी प्रेजेंट है। दूसरा बोल रहा है तंतुरूप समुच्चय जो फिलीफॉर्म एपरेटस है वो एग में प्रेजेंट है, एग में नहीं है, वो कहाँ पर प्रेजेंट है, ये मैंने आपको बनाया है फिलीफॉर्म एपरेटस जो बनाया है ये सिनर्जिड सेल्स में प्रेजेंट है। थर्ड बोल रहा है कि बहुत सी एंटीपोडल सेल्स नहीं, एंटीपोडल सेल्स कितनी है, ओनली तीन प्रेजेंट होती है। फोर्थ आता है अर्सूति विभाजन गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में होता है, बिल्कुल सही है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी होती है, 2N होती है, डिप्लॉयड होती है, और डिप्लॉयड कोशिका में ही क्या होता है, अर्सूत्रि विभाजन होता है। ये जो डिप्लॉयड सेल्स है ये देखिए, ये हमारी माइक्रोस्पोर मेगास्पोर मदर सेल, ये कैसी होती है, 2N होती है, ठीक है ना, इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, तो क्या बनते हैं, चार गुरु बीजाणु बनते हैं इसके अंदर, चार गुरु बीजाणु बनते हैं, इसमें से तीन जो माइक्रोपाइल साइड वाले होते हैं, ठीक है ना, ओव्यूल में जो तीन माइक्रोपाइल वाले साइड वाले होते हैं वो तो कैसे हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, और जो एक बचता है चैलेजा साइड वाला, ये जो एक चैलेजा साइड वाला होता है ये क्या होता है, फंक्शनल होता है। इस फंक्शनल मेगास्पोर में क्या होते हैं, डिविजन्स होकर के ये कौन सी संरचना बनती है, एम्ब्रियो सैक स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है ना।
संजू गोदारा जी, मैम एमएससी के एग्जाम है, क्लास नहीं ली जाएगी। कोई बात नहीं बेटा, डाउनलोडेड क्लासेस मिल जाएंगी आपको, आप बाद में ले लीजिएगा, इसमें इतना टेंशन क्यों करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, करेक्ट आंसर इज अर्धसूत्री विभाजन गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में होता है, मियोसिस अकर्स इन मेगास्पोर मदर सेल, जिससे क्या बनते हैं 4 मेगास्पोर, जिसमें से 3 तो क्या हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं, ओनली 1 क्या बचता है, फंक्शनल बचता है, जिसके डिविजन के थ्रू, जिसमें माइटोसिस के थ्रू क्या बनता है, एम्ब्रियो सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हाँ जी, ये बताइए, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, लव स्टेशन के एग्जाम में, और मैंने आपको सॉल्व भी कराया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है गलत नहीं होना चाहिए। पहले जब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन आपको करवाए थे, जब ये मैंने क्वेश्चन करवाया था, सबसे पहले तो ये बताएंगे कि ये लैब असिस्टेंट के एग्जाम में कौन से ईयर में आया है, 2016 में आया है या 2018 में आया है, ये बताएंगे सभी, और इसका आंसर क्या होगा वो बताएंगे, ठीक है ना। हाँ हरिंदर जी बता रहे हैं 2018 में आया, बिल्कुल सही है आपका बेटा, यह क्वेश्चन कब आया था, 2018 में आया था ये क्वेश्चन, मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व भी करवाया था कि जो मूसला प्रकार की जड़ है ये मोनोकॉट कौन आंसर दे रहा है। महाराज जी मोनोकॉट आप आंसर कैसे दे सकते हैं, आप आंसर जो है बहुत सही देते हैं, देखा है मूसली, लेकिन आज आप आंसर जो है गलत दे रहे हैं, जो भी सी दे रहे हैं आंसर वो बिल्कुल सही है। देखिए डायकॉट में होती है, क्यों, पहले तो हम ये देख लें जो टैप रूट है, इसे क्या बोलते हैं टैप रूट, टैप रूट कैसी होती है, टैप रूट होती है जिसमें एक क्या दिखती है, मेन रूट दिखेगी, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं हम प्राइमरी, और इससे क्या निकली रहती है फिर सेकेंडरी और टर्शरी, इस तरीके से प्रेजेंट होती है ये टैप रूट होती है, इसको क्या बोलते हैं हम टैप रूट, और एक होती है फाइब्रस रूट, ठीक है ना। फाइब्रस रूट कैसे होती है, आपको उसमें मेन जो है प्राइमरी रूट नहीं दिखेगी, वो ऐसे होता है बिल्कुल फाइबर की जैसे, तो ये तो किसमें होती है मोनोकॉट में इस टाइप की, और ये किस में होती है डायकॉट में, ये मोनोकॉट में होती है और ये डायकॉट में होती है, ठीक है ना। हाँ जी देखें बिल्कुल सही, डायकॉट अब सही कर लिया आपने, कोई बात नहीं मेरा जी, क्योंकि आप जो है बहुत करेक्ट आंसर देते हैं, फिर आप अगर ऐसे गलत आंसर देते हैं ना तो वो एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, जो बच्चा सही आंसर दे रहा है फिर वो गलत आंसर देता है, वो भी इतना ईजी सा क्वेश्चन, तो वो एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, ठीक है ना। कोई बात नहीं गलत हुआ है, लेकिन ये एग्जाम में कभी गलत नहीं होगा ये क्वेश्चन, अब ये गारंटी है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए हाँ, निम्न में से कौन सा समूह फेनरोगेम्स के अंदर आता है, ये मैंने कल आपको बताया था कि फेनरोगेम्स में कौन कौन से आते हैं, अब आप ये देखिए इनमें से जो कौन सा है, फॉलोइंग ग्रुप्स का अंडर इंक्लूडेड इन फेनरोगेम्स, अब देखिए बताइए इसमें एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स ए एंड बी दोनों बताइए। आरएस भाटी जी मैम क्लास कितने बजे तक होगी, बेटा 10:15 to 11:15 होती है अपनी ये क्लास, ठीक है ना, डेली यही टाइमिंग है 10:15 to 11:15 तक। हाँ जी करें, देखिए एंजियो किस कौन कौन आएंगे इसके अंदर, जल्दी से आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए, फेनरोगेम्स में कौन कौन से आते हैं, क्रिप्टोगेम्स में कौन कौन से आते हैं, अभी भी मैंने ये आपको क्लियर किया था, क्रिप्टोगेम्स में आप क्या आते हैं, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ब्रायो एंड टेरिडोफाइटा किस में आते हैं, क्रिप्टो गेम्स में आते हैं, ठीक है ना, और जो आते हैं फेनरोगेम्स में कौन आते हैं, फेनरोगेम्स में अभी भी जो है सी आंसर दे रहे हैं संजू गोदारा, हरिंदर सिंह सी आंसर नहीं आएगा, हाउ कैन यू डू दैट, इतना इजी क्वेश्चन भी आप सी कैसे दे सकते हैं, ये मैं इतनी बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको। मदन पाल, गुरदीप, कविता, पूजा, सुष्मिता डी आंसर बिल्कुल सही दिया है, गुरजीत, अंजलि सी दिया, हरिंदर सिंह जी आपका आंसर सी गलत है, टेरिडोफाइट क्रिप्टोगेम्स में आते हैं बेटा, टेरिडोफाइट एंड ब्रायोफाइट आर इंक्लूडेड इन क्रिप्टोगेम्स, फेनरोगेम्स में इंक्लूडेड होते हैं एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म, यानी कि जो सीडेड प्लांट्स हैं, ठीक है ना, ठीक है। इसमें कौन कौन से आएंगे, दोनों आएंगे, इसका आंसर आएगा डी आंसर आएगा इसका, यानी कि इसमें एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म दोनों इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, टेरिडोफाइटा तो बेटा मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं, टेरिडोफाइटा किस में आता है, क्रिप्टोगेम्स में आता है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है गलत नहीं होना चाहिए किसी का।
हाँ आप बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं सभी। अब देखिए डी आंसर आने लग गया, सभी के सही आंसर आ रहे हैं। अब बताइए इसमें से विच इज नॉट अ मोनोकॉट प्लांट, रोज, ऑर्किड, डेट एंड बनाना, गुलाब, ऑर्किड, खजूर एंड केला, बताइए इसमें से कौन सा मोनोकॉट नहीं है। और नहीं है तो आप कैसे पहचानते हो कि कोई मोनोकॉट प्लांट है या नहीं है? ऊपर से ही आप कैसे पहचान पाओगे प्लांट को कि मोनोकॉट प्लांट है या नहीं है। हाँ जी वो क्वेश्चन तो हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 15 बताइए, विच इज नॉट अ मोनोकॉट, इसमें से कौन सा एक बीज पत्री पादप। मोनोकॉट का मतलब होता है एक बीज पत्री पादप, इसमें क्या होता है ओनली एक मोनोकॉट, एक कॉटिलेडन होता है जिसको बोलते हैं हम एक बीज पत्री पादप, मोनोकॉट बोला जाता है। बताइए इसमें क्या आएगा आंसर आपका, रोज आएगा, ऑर्किड आएगा, डेट आएगा या बनाना आएगा, आंसर दीजिए सभी। हाँ गुरजीत सिंह जी का ए आंसर आ गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया गुरजीत सिंह का, ए आंसर जो आया है रोज, बिल्कुल सही है बेटा, रोज आएगा इसका आंसर, ठीक है ना। क्यों आएगा देखें, हमको जो है एक पेड़ है ऊपर से देख करके बताना है डाइकोट है या मोनोकोट है, तो वो कैसे बताएंगे। युवराज जी डी बता रहे हैं, नहीं मैम वो नहीं आ गया। ठीक है देखिए लीफ से बता सकते हैं हम, देखिए वेन्स का जो अरेंजमेंट होता है ना, वेन्स का जो अरेंजमेंट होता है उससे हम ऊपर से देख करके बता सकते हैं इस तरीके से। ये इस तरीके से जो एक वेव जो है वेव की फॉर्म में होता है इसे बोला जाता है रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन किस में होता है, ये डाइकॉट लीफ में होता है। आपको ऊपर से देखने पर लीफ जो है बिल्कुल कैसे दिख रही है, जाल के जैसा उनमें शिराओं का दिख रहा है, तो वो क्या होगा जो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स दैट इज कॉल्ड वेनेशन, ये क्या होता है जालिकावत, बिल्कुल जाल की तरह दिखता है, तो वो किस में होता है डाइकॉट में दिखता है, ठीक है ना। ठीक है यहाँ तक ठीक है। दूसरी क्या होती है, दूसरी कंडीशन क्या आ गई, जब अगर कैसी है ये समानांतर शिराएं एक के साथ एक यानी कि कोई जाल नहीं बना रही है, तो इसको बोला जाता है पैरेलल वेनेशन, दैट इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। ये किस में मिलता है, मोनोकॉट प्लांट में मिलता है। अब आप देखें ऑर्किड हो या डेट हो या पनाना हो, इनकी लीफ देखना, इनकी जो लीव्स हैं बिल्कुल कैसी होती हैं, उनमें जो है शिराएं बिल्कुल ऐसे दिखेंगी, सीधी सीधी दिखेंगी, ठीक है। लेकिन गुलाब में देखते हैं, गुलाब में कैसे दिखता है ऐसा, तो इसलिए हम बाहर से देखकर ऊपर से देखकर बता सकते हैं। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए डाला कि गुलाब का पेड़ तो हम देखते ही हैं, तो हमको अगर ये पता है तो ये हमको आराम से हम निकाल सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। अंगद पारिक जी मैम कल क्लास नहीं हुई और आज मैं लेट हो गया, कोई बात नहीं बेटा आप ले लीजिएगा ठीक है ना क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा अपना, गुलाब आएगा। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। निम्न में से कौन सा मृतोपजीवी एंजियोस्पर्म है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म, क्या है सैप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म। हाँ जी ये खुद से ही बताना है क्वेश्चन के आंसर, ये नहीं कि आप गूगल के पर सर्च करके इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, खुद से जो आंसर बताएगा अपने आप जिसको पता है वो जो है बिल्कुल सही, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। देखते हैं कि कौन है जो इसका आंसर अपने आप बताएगा विदाउट सर्चिंग ऑन गूगल, गूगल पर या बुक्स में सर्च नहीं करना है, चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है ना, बताना है सभी को, चीटिंग नहीं करेंगे। इसमें से जो है मृतोपजीवी एंजियोस्पर्म्स कौन सा है बताइए, इसमें से कस्कुटा, नियोटिया, अगेरिकस एंड मैंगो, यानी कि सैप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म्स, जो जिस पर किस पर डिपेंड है। सैप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है, डिपेंड ऑन डेड एंड डिके मटेरियल, डेड एंड डिके मटेरियल से अपना क्या करता है फूड लेता है, मृत कार्बनिक पदार्थों से। हाँ जी मेहरा जी पैरेलल मोनोकॉट में, हाँ बेटा पैरेलल मोनोकॉट में होता है। कविता जांगे सी अगारिकस नो। हाँ जी हरिंद्र और रामनिवास ने बी आंसर दिया है एंड भारत ने भी बी आंसर दिया है, बिल्कुल सही दिया है। शिवानी ने सी दिया है, आर के भाटी ने ए दिया है, करेक्ट रॉन्ग आंसर, रोहित जी सी दे रहे हैं रॉन्ग आंसर, गुरजीत सिंह एंड भारत मेघवाल जी बी आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। इसका आंसर क्या आता है, बी आता है इसका। नियोटिया क्या है, नियोटिया एक सैप्रोफिटिक जिम्नोस्पर्म है, यानी कि ये कैसा होता है अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड है, डेड एंड डिके मटेरियल पर डिपेंड होता है, ये ऑटोट्रॉफिक नहीं होता है। दूसरी बात आती है दूसरी बात आती है कस्कुटा, कस्कुटा कैसा है,
गुरजीत सिंह शेरगिल लिख रहे हैं घटपर्णी पादप। नो बेटा, घटपर्णी पादप जो है निपेंथिस है वो नहीं होता भाई, वो तो इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, ठीक है ना, वो सप्रोफिटिक नहीं है, वो इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। देखें कसकुटा कैसा होता है, कसकुटा होता है एक एपीफाइटिक प्लांट। कसकुटा कैसा है, एपीफाइट है, अधिपादप है, यानी कि दूसरे पादप से ये क्या करता है, अपना फूड ऑब्टेन करता है उससे, ठीक है ना। कसकुटा क्या होता है, एपीफाइट होता है, और नियोटिया क्या होता है, एक सप्रोफाइट प्लांट है, ठीक है। यहाँ पर क्लियर है सभी को? हाँ जी, देखें नियोटिया आएगा इसका आंसर। कसकुटा जो है एक एपीफाइटिक प्लांट है, और जो घटपर्णी पादप बता रहे थे गुरजीत सिंह की, घटपर्णी पादप बेटा निपेंथिस को बोला जाता है, और वो क्या होता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है वो, ठीक है ना। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया हुआ है, क्वेश्चन इजी है लेकिन लैंग्वेज घुमाई हुई है मैंने। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो करेक्ट आंसर दे पाएंगे। अब देखते हैं कि कौन कौन जो है जल्दबाजी में क्वेश्चन ना पढ़कर आराम से जो है आंसर देंगे, ठीक है ना। इसमें क्या दे रखा है, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म से किसकी अनुपस्थिति से भिन्न है, एंजियोस्पर्म डिफरेंट फ्रॉम जिम्नोस्पर्म बाय द एब्सेंस ऑफ, यानी कि किसकी अनुपस्थिति के कारण एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म से भिन्न है, वैस्कुलर टिश्यू, ओवरीज, सीड्स एंड नेट ओव्यूल्स। इसका भी सही आंसर देना है, सभी जो है इसका सही आंसर देंगे। देखें सोचें सभी इसका आंसर दें, इतने में देखो पानी पीती हूँ, देखें आंसर दें, देखते हैं कौन क्या क्या आंसर देता है। हाँ जी महाराज जी, आप अभी उसी क्वेश्चन पर रुके हुए हैं, कसकुटा और अमरबेल। हाँ बेटा वो अधिपादप होते हैं, ठीक है ना। हाँ जो बी सी डी सारे आंसर आ रहे हैं इसमें, बी सी डी, बेटा एक बार बताइए बी सी डी, बी सी क्यों आ रहे हैं आंसर, पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म से किसकी अनुपस्थिति से भिन्न है, यानी कि एंजियोस्पर्म में क्या अनुपस्थित होता है। हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, जल्दबाजी में पढ़ रहे हैं कि एंजियोस्पर्म में क्या प्रेजेंट है जो जिम्नोस्पर्म से ये भिन्न है, एंजियोस्पर्म में ओवरीज होती हैं, जिम्नोस्पर्म में नहीं होती, इसलिए हम आंसर क्या दे रहे हैं, सी दे रहे हैं। हाँ जी सी आंसर हम इसीलिए दे रहे हैं, अभी हमको क्या देख रहे हैं कि क्या होता है, एंजियोस्पर्म में ओवरी प्रेजेंट होती है, और सीड सीड तो बेटा एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों में प्रेजेंट होता है, तो सीड तो वैसे ही नहीं आएगा कुछ, तो सी दे रहे हैं इसका आंसर। आएगा क्या, क्योंकि ये क्या फेनोगेम्स हैं, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों में प्रेजेंट है, ओवरी किस में होती है, एंजियोस्पर्म में होती है, जिम्नोस्पर्म में नहीं होती है, ये भी नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म से किसकी अनुपस्थिति से, यानी कि एंजियोस्पर्म में क्या अनुपस्थित होता है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, ठीक है ना। वैस्कुलर टिश्यू तो दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, जो ये आंसर दे रहे हैं दोनों में ही प्रेजेंट है वैस्कुलर टिश्यू, तो जालमन फ्लोएम। क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा नेक्ड ओव्यूल। लैंग्वेज घुमाने वाली थी, क्वेश्चन इजी था, लैंग्वेज घुमाने वाली थी। इस क्वेश्चन का ओवरऑल मतलब क्या था कि एंजियोस्पर्म में क्या एब्सेंट होता है जो उसे जिम्नोस्पर्म से भिन्न बनाता है, ठीक है ना। तो नेक्ड ओव्यूल है वो, नेक्ड ओव्यूल किस में होता है, नेक्ड ओव्यूल होता है जिम्नोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में तो कैसा होता है, कवर्ड ओव्यूल होता है एंजियोस्पर्म में, तो क्योंकि क्या प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर ओवरी प्रेजेंट है, फ्रूट बनता है उसका, तो कवर्ड ओव्यूल होता है, और यहाँ क्या होता है जिम्नोस्पर्म में नेक्ड ओव्यूल, तो एंजियोस्पर्म में क्या एब्सेंट है, नेक्ड ओव्यूल प्रेजेंट है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। था ना घुमाने वाला क्वेश्चन, सब सोच रहे होंगे इतना इजी क्वेश्चन था, फिर भी क्या हो गया, हम लैंग्वेज के चक्कर में घूम गए, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि इसकी क्या करो, लैंग्वेज सही से पढ़ना है, इसमें क्या पूछा गया है, हमेशा बेटा क्वेश्चन की क्या क्या करो, पहले लैंग्वेज सही से पढ़ो कि उसमें क्या पूछा गया है, सही नहीं है, सही है, गलत नहीं है, गलत है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आजकल वो क्वेश्चन नहीं आते आपको डायरेक्ट पूछा जाए कि सही है या रॉन्ग है, नो, अब आते हैं सही नहीं है, गलत नहीं है, जिससे आपका क्या होता है, माइंड घूमता है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ना है, और फिर ऑप्शंस भी रीड करने हैं, रीड ऑल ऑप्शन, ये वाला जो है ठंडा आप अपने माइंड में रखो, जब जा करके आप क्वेश्चन सही कर पाओगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अधिक विकसित कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट टू बी मोर डेवलप्ड,
जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड किसको बोला गया, डायकोट प्लांट, मोनोकोट प्लांट, डेटा इनकम्प्लीट या ए और बी बोथ? देखिए कौन बताता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल अप है इस क्वेश्चन का, अप लेवल का क्वेश्चन है, देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए सभी के सभी। निम्न में से किसे अधिक विकसित कहा गया है? देखें आंसर दें, बताइए। हाँ जी जल्दी से आंसर दीजिए, अप लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अपर लेवल का लेकिन आंसर आ जाना चाहिए। युवराज मेघवाल ए, रामनिवास कुमावत ए, कविता जहांगीर ए, हेमंत पटेल बी, पूजा ए, समायरा ए, हेमेंद्र हरेंद्र सिंह ए, आदित्य रेवाल ए, सब एक ने ए आंसर दिया तो सभी ए आंसर देंगे क्या? नो, ए इज रॉन्ग, संजू गोदारा। हाँ जी बी आंसर करेक्ट है आपका, जो संजू गोदारा ने जी दिया है बी आंसर। मेहरा जी डायकोट नहीं, डायकोट जो है मोर डेवलप्ड नहीं है, ठीक है ना, आंकड़े इनकम्प्लीट हैं ऐसा भी नहीं है, और दोनों जो है मोर डेवलप्ड है ऐसा भी नहीं है। मोर डेवलप्ड कौन सा है? एक बीजपत्री है, क्यों? क्योंकि देखें साइंटिस्ट ने माना हुआ है कि पहले क्या थे, द्विबीजपत्री थे, डायकोट प्लांट्स थे, उनसे जो है डेवलप होकर के, उनमें चेंजेस होकर के, इवॉल्वमेंट होकर के क्या बने हैं, मोनोकोट बने। डायकोट से किसका फॉर्मेशन हुआ है? मोनोकोट से हुआ है, इसीलिए मोनोकोट को क्या बोला जाता है, मोर डेवलप्ड या मोर एडवांस हम बोलें तो एडवांस कौन से हैं, सबसे ज़्यादा एडवांस हैं मोनोकोट प्लांट्स हैं, ये हमको याद रखना है, ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है। हाँ जी कुछ ही लोगों ने बी दिया था, बाकी सब ए दे रहे थे, मुझे पता था इसका आंसर क्या आएगा, ए ही देंगे ज़्यादातर, ठीक है ना, ज़्यादातर ए देंगे इसका आंसर, क्योंकि हम क्या समझते हैं कि डायकोट प्लांट है, डायकोट प्लांट सबसे क्या है, एडवांस है या डेवलप्ड है? नहीं, डायकोट प्लांट सबसे एडवांस है डेवलप्ड नहीं है, डायकोट प्लांट से ही किसका इवॉल्वमेंट हुआ है, मोनोकोट प्लांट का इवॉल्वमेंट हुआ है, इसीलिए मोनोकोट प्लांट क्या है, मोर डेवलप्ड एंड मोर एडवांस, ये कैसे हैं, मोर डेवलप्ड एंड मोर एडवांस, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, मोनोकोट, ठीक है ना। तो इसका ना तो ए और बी दोनों भी नहीं है, आंकड़े इनकम्प्लीट है ऐसा भी नहीं है, और डायकोट प्लांट नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, मोनोकोट प्लांट इज मोर डेवलप्ड, ठीक है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी ये क्वेश्चन बताइए, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे लंबा वृक्ष है? विच ऑफ द फॉलोइंग टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड, ये बताना है आपको, टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड। यूकेलिप्टस सिकोइया पाइनस एंड पाइनस रॉक्सबर्गर, यूकेलिप्टस रेगनेंस, सिकोइया सैम्परवेरेंस, पाइनस लॉन्गिफोलिया एंड पाइनस रॉक्सबर्गर, बताइए इसमें से आंसर। ये आंसर तो बहुत जल्दी आ जाना चाहिए, ठीक है ना, जल्दी से दीजिए इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 19। अब जो क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में मत सोचिए, मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 18 में मोनोकोट है, मोनोकोट इज करेक्ट आंसर, आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन था उसको क्लियर रखिए, मोनोकोट इज एडवांस। अब आप पर किसका कॉन्सेंट्रेट करना है, 19 नंबर क्वेश्चन पर कॉन्सेंट्रेट करना है। जी देखिए यहाँ भी मोस्टली ए ए ए ए आंसर दे रहे हैं, बेटा यूकेलिप्टस आंसर नहीं है, यूकेलिप्टस इज नॉट द टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में नहीं है, टॉलेस्ट ट्री है यूकेलिप्टस, टॉल होता है लेकिन वर्ल्ड में टॉलेस्ट ट्री नहीं है, टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड क्या है, सिकोइया सैम्परवेरेंस, टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड लगभग कितनी होती है, 300 फीट तक होती है इसकी हाइट, कितनी होती है अप्रोक्स 300 फीट तक इसकी हाइट होती है, सिकोइया सैम्परवेरेंस जो है वो क्या है, टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड, यूकेलिप्टस नहीं है, यूकेलिप्टस भी टॉल ट्री में आता है लेकिन वो टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड नहीं है, ठीक है ना। सभी जो है यूकेलिप्टस यूकेलिप्टस आंसर दे रहे थे, मेहरा और जो है सभी ने दिया, नरेश गौर ने जो था ना पाइनस लॉन्गिफोलिया दे दिया, नो पाइनस लॉन्गिफोलिया पाइनस रॉक्सबर्गाई तो दूर दूर तक नहीं है, ये फिर भी सोच सकते हो आप, लेकिन ये टॉल ट्री में आता है, लेकिन क्वेश्चन इज टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में पूछ रहा है तो क्या है, सिकोइया सैम्परवेरेंस। मैंने आपको ये भी बताया था ये क्या है, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, ठीक है ना, टॉलेस्ट प्लांट है, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, ये क्या है, जिम्नोस्पर्म है, और लगभग हाइट कितनी होती है इसकी, 300 फीट तक इसकी हाइट होती है, तो सोचो 300 फीट हाइट है तो कितना टॉल हो गया ये ट्री, ठीक है ना, 300 फीट हाइट। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी वेसल्स पाई जाती हैं
बताइए जो वाहिकाएं हैं वो वाहिकाएं किस में पाई जाती हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक अपर लेवल का क्वेश्चन है ये। इफिड्रा में, सिलेजिलिना में, फ्यूनेरिया में, जिम्नोस्पर्म के तने, स्टेम ऑफ जिम्नोस्पर्म्स इन फ्यूनेरिया एंड सभी जिम्नोस्पर्म्स में, ये बताइए कि वेसल्स किस में पाई जाती हैं। देखते हैं कौन कौन जो इसका आंसर सही देता है। क्वेश्चन नंबर 20, वेसल्स वाहिकाएं किस में उपस्थित होती हैं। इफिड्रा, सिलेजिलिना, फ्यूनेरिया एंड सभी जिम्नोस्पर्म्स। अभी अभी मैंने आपको कुछ आंसर दिया कि वेसल्स जो है जिम्नोस्पर्म के तीन प्लांट्स में प्रेजेंट होती हैं, वो मैंने ऑप्शन जो है आपको बोले भी थे वर्बली। अब देखने किस किस के माइंड में रहते हैं वो आंसर, ठीक है, देखते हैं किस किस के माइंड में रहते हैं। विशाल कुमार सी, फिनेरिया में, नो रॉन्ग। गुरजीत सिंह, शेरगिल डी, पूरे जिम्नोस्पर्म में सब में कहाँ होती हैं जहाँ जो वाहिकाएं जो प्रेजेंट होती हैं। हाँ, सुष्मिता युवराज ए आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं। संजू गोदारा बी इज रॉन्ग आंसर, बी सी जो भी दे रहे हैं, डी आंसर इज रॉन्ग। देखिए सभी के आंसर गलत आ रहे हैं, ए आंसर बहुत कम का आ रहा है। जो ए आंसर है, ए इज करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। मेहरा जी ने भी डी आंसर दिया है, गलत दिया है, आंसर इज ए। देखिए सभी जिम्नोस्पर्म में तो नहीं होती वेसल्स। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि वेसल्स एंड कॉम्पेनियन सेल्स आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या होती हैं, जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट में वेसल्स और कॉम्पेनियन सेल्स प्रेजेंट होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट हैं दो तीन जिनमें जो है एक्सेप्शन की फॉर्म में, अपवाद के रूप में क्या प्रेजेंट होती हैं वेसल्स, तो वो कौन कौन से हैं देखिए, इफिड्रा, नीटम एंड वेल्विशिया। इफिड्रा, नीटम एंड वेल्विशिया, देखिए इफिड्रा, नीटम वेल्विशिया, इन तीनों में क्या होती हैं, इन तीनों में जो होती हैं वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ये याद रखना है हमें, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है कि जिम्नोस्पर्म के कौन से प्लांट हैं जो अपवाद के रूप में, अपवाद है ये क्या है, अपवाद है, वैसे जिम्नोस्पर्म में वेसल प्रेजेंट नहीं होती लेकिन अपवाद स्वरूप एज एक्सेप्शन किसमें प्रेजेंट होती हैं, किसमें प्रेजेंट होती हैं, इफिड्रा, नीटम और वेल्विशिया में प्रेजेंट होती हैं। विशाल कुमार जी पूछे मैम कल भी क्लास होगी क्या? नो बेटा, कल संडे है, कल का ऑफ रहेगा। क्लास आपकी मंडे टू सैटरडे 6 डेज आपकी क्लास रहेंगी, यही आपका टाइम रहेगा। कभी अगर टाइम चेंज होता है तो वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें वेसल्स में इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, इफिड्रा। ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ जी, कुछ लोगों ने दिए हैं ये आंसर, नरेश, गुरजीत, भरत, मेघवाल, हाँ जी, ठीक है ना। तो इसका क्या होता है, जो इफिड्रा जो है क्या होती है, इसमें वेसल्स पाई जाती है, इफिड्रा, नीटम एंड वेल्विशिया में जो है वेसल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, देखते हैं। हाँ जी, ये अपना जो डेली का यूट्यूब सेशन है वो उसके जो टाइम टेबल है वो ये टाइम टेबल है आपका, 8:30 to 9:30 जो है केमिस्ट्री की होती है आपकी, दिनेश सर लेते हैं, 10:15 to 11:50 आपकी बॉटनी की होती है जो आपकी मैं लेती हूँ, एंड 7 to 8 PM आपकी किसकी होती है, फिजिक्स की होती है जो आपके समरवाल सर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, गुरजीत सिंह जी बोल रहे हैं मैम मंडे को भी यही टॉपिक होगा क्या? हाँ बेटा, मंडे को भी यही टॉपिक होगा। संजू गोदारा बोल रहे हैं हाइपरशन को भी सबसे लंबा वृक्ष बताया गया है। बेटा सबसे लंबा वृक्ष, एक क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर जो सबसे लंबा है वो क्या है, सिकोइया ही है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है किसी भी तरीके से। तो आपको क्या करना है, ये सेशन आपको टाइमिंग पता ही है अपने पास, ठीक है। जब तक के लिए आज की क्लास हमारी यही कंप्लीट होती है, वापस से हम मंडे को आएंगे, सेम इसी टॉपिक पर फिर से क्वेश्चन लेकर के आएंगे हम इसी टॉपिक पर। जब भी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगी जिससे कि आप वो टॉपिक प्रिपेयर करके आएँ, ठीक है। तो आपको मंडे को भी इसी टॉपिक को प्रिपेयर करने करके आना है। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, एंड जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या उठा सकें, फ़ायदा उठा सकें। और आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज आपको 50% ऑफर मिल रही है, LA50 कोड। आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पर जो नंबर है वो शो किए हुए हैं, आप नंबर पर कॉल करके क्वेरीज के लिए कीजिए। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू एवरीवन।